अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कादरी सोलर सोल्यूशन और मेरा नाम हमजा है और आज मैं मौजूद हूँ अपनी शॉप कादरी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। आज मैं आपको इस मोटर की मुकम्मल डिटेल दूंगा, बात करेंगे इसकी प्राइस की, ये कितने रुपए की है और इसको बिजली पे चलाने का तरीका, सोलर के साथ इसको कितनी प्लेटें देंगे, इसको बैटरी पे कैसे कनेक्ट करेंगे और ये आपकी मंथली सेविंग कितनी करेगी, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इसकी। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। अब तक मेरे चैनल को कादरी सोलर सोल्यूशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं अपना सॉलिड वर्क। सबसे पहले मैं आपकी इसकी एसेसरीज और पोर्ट ऑफ की डिटेल देता हूँ। सबसे पहले बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई एसी 220 वोल्ट लेके 12 वोल्ट डीसी आउटपुट देती है। मैं आपको चेक कराता हूँ मल्टीमीटर, वो देखें आप मल्टीमीटर पे 12 वोल्ट शो हो रहे हैं। अब मैं इसको एक मोटर के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप भी ये मोटर इंस्टॉल करें तो ये कनेक्टर लाजमी लगाएं ताकि कनेक्ट करने में और रिमूव करने में आसानी हो। 60 एम्पीयर का मैंने कनेक्टर लिया है। अब इसकी प्रेशर चेक करते हैं, इसका प्रेशर अच्छा है। और अब इसको मैं आपको बैटरी पे चला के दिखाता हूँ। आप बैटरी भी इसके अंदर साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट 4.5 एम्पीयर की बैटरी है। आप मैक्सिमम उसमें 50 एम्पीयर की 100 एम्पीयर की बैटरी जितना आपको बैकअप चाहिए उस हिसाब से बैकअप की डिटेल भी देता हूँ आपको। बैकअप आप कितना से ले सकते हैं, कितने एम्पीयर की बैटरी पे कितना बैकअप आएगा मैं आपको बाय पैन समझाऊँगा। ये मैं इसको पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव लगा रहा हूँ तो ये बैटरी भी ऑन हो गई है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव उल्टे लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लॉक वाइज के बजाय एंटी क्लॉक चलने लग जाएगी। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो मोटर है इसके अंदर अगर आप पावर सप्लाई लगाएं तो 25 एम्पीयर की यूज़ करें, 30 एम्पीयर की, 75 एम्पीयर की, जितना इसमें क्या नाम है जितना इस पर लोड आएगा उतने ही एम्पीयर आपके कंज्यूम करेगी। सोलर पर चलाने के लिए आपको 150 वाट के दो पैनल दरकार हैं, जिसमें आप इसको डायरेक्ट सोलर पैनल पे भी चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप एक सोलर पैनल पे चलाएं इसको तो आपको बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगी इसके साथ। जब आप बैटरी कनेक्ट कर लेंगे तो आपका सोलर पैनल जैसे ही क्या नाम है धूप निकलेगी बैटरी को चार्जिंग पे ले आएगा, और चार्जिंग पे लाने के बाद ये मोटर जब आप ऑन करेंगे तो ये बैटरी और सोलर दोनों से शेयरिंग करेगी। जैसे ही क्या नाम है आप मोटर ऑफ कर देंगे फिर दोबारा अगर दिन है तो बैटरी चार्जिंग पर आ जाएगी। साथ आपको इसमें चार्ज कंट्रोलर भी लगाना पड़ेगा ताकि बैटरी फुल होने के बाद डिस्चार्ज हो। अब चलते हैं हम इसके क्या नाम है कैलकुलेशन की तरफ कि ये आपकी कितनी मंथली सेविंग करेगी। तो गाइस ये वो फार्मूला है जिससे आप अपना मोटर का वाट निकालेंगे और ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये आगे जाके भी आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले हमारी मोटर के आपको पावर को एम्पीयर से ज़रब देंगे तो उसके वाट आ जाएंगे। सबसे पहले हमारी मोटर 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट 10 एम्पीयर, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब ये मोटर इंस्टॉल की थी तो लोड पे 10 एम्पीयर ले रही थी, तो इसका आंसर आएगा 120 वाट। यानी कि आपकी डीसी मोटर 120 वाट लेगी बिजली पे चलेगी तो। और 1 HP 746 वाट होता है। तो अब आप याली मोटर आपकी 740 वाट की 1 HP की और ये मोटर जो आपका एक का पंप चलाएगी वो 120 वाट लेगी। सेकेंड स्टेप में आपने करना ये है कि आपने इस वाट को जो वाट है इसको वाट हॉर से ज़रब देना है। ये आपको मैं बज़ाहिर समझा रहा हूँ कि आपने 120 वाट की आपकी मोटर अगर वाट हॉर 5 घंटे चलती है तो वो 0.6 यूनिट लेती है। मतलब 1000 अगर ये काउंटिंग होगी तो एक यूनिट बनेगा, तो ये 0.6 ले रही है 5 घंटे चलने पर, तो हम यहाँ पर 0.6 यूनिट लिखेंगे 0.6। और 746 वाट की मोटर ज़रब वाट हॉर्स अगर ये चलती है 5 घंटे तो 3.73 यूनिट लेती है, 3.7 यूनिट्स लेती है। अब थर्ड स्टेप में आपने करना ये कि आपका 0.6 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30 दिन तो 18 यूनिट बन रही हैं। 18 यूनिट को आप ज़रब दें 20 रुपये से, 20 रुपये का यूनिट है तो 360 रुपये की बिजली मंथली ये मोटर आपकी लेगी। और यही अगर मोटर 740 वाट की होगी तो ये 3.7 यूनिट ले रही है, 3.7 मल्टीप्लाई बाय 30 दिन तो ये 111 यूनिट ले रही है। इसको ज़रब देंगे आप 20 रुपये से
तो ये आपकी 2220 रुपए की बिजली यूज़ कर रही है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने समझा होगा। सबसे पहले फार्मूले की मदद से हमने वाट निकाले, वाट को मल्टीप्लाई किया घंटों से, वाट हॉर्स से, तो यूनिट्स निकाले। 0.6 यूनिट डीसी मोटर ले रही है और 1 HP की मोटर जो पंप पे लगी होती है वो 3.7 यूनिट्स ले रही है और रिज़ल्ट आपके सामने है। 2220 रुपये की बिजली इलेक्ट्रिक वाली मोटर खा रही है 5 घंटों में और डीसी मोटर 360 रुपये की बिजली खा रही है। अब इसकी बैकअप की बात करें हम, तो आपने 1 एम्पीयर की बैटरी पर अगर 1 एम्पीयर का लोड डालेंगे तो 1 घंटे बैकअप आएगा। जैसे ही मैंने आपकी बात की कि मोटर 10 एम्पीयर की है तो 50 एम्पीयर की बैटरी पे 5 घंटे का बैकअप देगी, 100 एम्पीयर की बैटरी पे 10 घंटे का बैकअप देगी। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसके प्राइस, इस मोटर की प्राइस 3800 रुपये हैं और इसकी पावर सप्लाई 2200 रुपये की है। आप चाहें तो मुझसे भी परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता करें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। और आप चाहते हैं मैं इस मोटर की पूरी इंस्टॉलेशन के साथ आपको गाइडलाइन दूँ, इसकी पार्ट 2 में दूसरी वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।